शान विला में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए जो मेहमान आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। शान विला में रहने वाला हर शख्स इस घर की शान है और जो भी इस घर में आता है वो शान विला की शान बढ़ाता है। ये मेरा बेटा साबिर, ये मेरा बेटा शमीम और मेरा सबसे प्यारा सबसे छोटा बेटा अजीम। अजीम कहाँ है? सूरज के दामन से किरने उसकी बूंदों से धनक चुराई, सूरज के दामन से किरने हिलाई, उसकी बूंदों से धनक चुराई, पलकों की चुमन पे सपने सजा के आंखों में बस के दिल में समाई। कितनी हसीन लग रही हो आज तो, कभी तो मैं अपनी ही नजर में लग जाऊं। चाचू क्या बात है, रेडी हो गए? यस आई एम रेडी। अब्बा भैया ने नारे लगाना शुरू कर दिया आपके नाम के आज। अच्छा लेट्स गो। ना अजीम आया है ना मेरी बहुएं आई हैं, ये कहाँ रह गए हैं सब लोग? वो आ गए मेरी बहुएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीम कहाँ है सब, कहाँ है सब? लगता है आरा कि आप अपनी शादी का ख्वाब दोबारा देख रही थी। आरा भूल जाए अजीम चाचू को, उन्हें अमेरिका गए हुए कितना टाइम हो गया, आना होता ना तो अब तक आ जाते। कैसे भूल जाऊं, मंगेतर है वो मेरे। और तुम लोग देखना, एक बार मेरे अजीम को पासपोर्ट मिल जाए
दौड़ा चलाएगा और आके मुझे अपनी दुल्हन बना लेगा। आरा, वो जहां तक मुझे याद पड़ता है उनको गए हुए तो काफी वक्त हो गया है और तकरीबन 7 साल से उन्होंने आपसे बात भी नहीं की है। आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं उनके पीछे? तो और क्या, इतने अच्छे खासे रिश्ते ठुकरा दिए आपने उस बेवफा की खातिर। अरे हटो, वो जितने भी रिश्ते आए थे ना, मेरे अजीम की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। क्या कर रही हो लड़कियों, बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? आज जुम्मा है, जल्दी जल्दी काम करो, नमाज का टाइम हो जाएगा। और तुम बीबी, दोपहर के 11 बज गए, अभी सुबह हो रही है तुम्हारी। मेरी बहना, 11 सुबह के बजते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद होती है। अरे बहन, जिस घर में फजर के टाइम ही सुबह हो जाए, वहां सुबह के 10 बजे भी ना दोपहर ही हो रही होती है। और तुम दोनों क्या मुंह देख रही हो? चलो जल्दी करो, इससे पहले अब्बा मियाँ का अजाब पड़े। और तुम भी जल्दी उठ जाओ। इससे आ रहा, एक बात पूछूं, रुखसती हो गई थी या अभी बाकी थी? मुझे लगता है हमने निकाह से पहले ही उठा दिया ने। हाँ, दबाओ यहां से तुम लोग, हमेशा मेरी रुखसती से पहले उठा देते हैं। मैं अपना ख्वाब पूरा करके दम लूंगी। हाँ देखो, तुम दोनों मेरी बहू है जरूर, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटियों से कभी कम नहीं समझा। मेरी अपनी तो कोई बेटी थी नहीं, तुमने वो कमी पूरी कर दी। और हुसैन आरा को तो शमीम अपनी बहन बनाकर लाया था इस घर में, और मैं ये चाहती थी कि तुम तीनों मिलजुल कर आराम से रहोगे इस घर में। लेकिन ना, तुमने तो शिकायतों के अंबार कर रखी हुए। असल में अम्मा भी, मैं अकेली हूँ ना, इसलिए ये दोनों बहनें मिल जाती हैं और मिलके मुझे बहुत परेशान करती। अच्छा चुप, जब मैं बात कर रही हूँ ना तो बीच में मत बोला कर। और क्या हो गया अगर ये दोनों बहनें हैं? तुम भी तो मेरी बहन की बेटी हो। तो ये दोनों भी तो आपकी नंद की बेटी है ना। अच्छा बस ना, अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। चलो गले मिलो, दोनों गले मिलो और ये मामला खत्म करो। अम्मा भी देखिए ना, लड़ाई पहले ये शुरू करती है और उसके बाद सारा का सारा इल्जाम हुसैन आरा पे डाल दे। बेटा तुम तो ज्यादा समझदार हो, दोस्ती में पहल तुम कर लिया करो। चलो अब गले मिलो ना, बात को खत्म करो। शाबाश। शाबाश, चलो जाओ, आज जुम्मा है, तैयारी करो। हाय। अरे भाई क्या बात है जुबैदा बेगम, कल पकड़े बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलो, एक पान तो खिला दो। अरे कहाँ से पान खिला दो, पान खत्म हुए हुए। अब आप जाएंगे ना तो पान लेकर आई। जो हुक्म मलका आलिया। हाँ क्या हो क्या है आपको? अरे कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कमाल करती हो। अरे भाई, अपनी बेगम को मलका आलिया कहना कोई बुरी बात है? क्यों मलका आलिया? छोड़े ना। अच्छा क्या, जा करके तैयार हो जाए। हो जाते हैं। मेरे अल्लाह, इस घर में ना दो घड़ियां सुकून की मुश्किल से मिलती हैं। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कभी। किसी ने इस तरह देख लिया तो क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे यार, यही सोचेंगे कि एक आशिक अपने माशूक का दिल बहला रहा। यहाँ पर ना इसलिए आकर बैठी थी कि सुकून से बैठकर चाय पीऊंगी, और आप यहाँ भी पहुंच गए। अब बताइए काम क्या है? काम कुछ खास नहीं है, वो कपड़े इस्त्री करने थे। मैं सोचा था आज अब्बा मियाँ से पहले तैयार होकर देखो।
इतने सालों से ये रेस अब्बा मियां ही जीतते चले आ रहे हैं और आज भी वही जीतेंगे। लाइए दीजिए। चल राशिदा, तेरे नसीब में सुकून कहाँ। अच्छा मैं खुद कर लेता हूँ, तुम बैठ के चाय पियो। सच में प्लीज एक जोड़ा मेरा भी कर देना। आज ना कसम से घर में बहुत काम है और से मेरा सर भी दर्द कर रहा है। यार तुम कितनी वो हो ना, हमने तो उंगली पकड़ाई थी, तुमने तो बाहें पकड़ ली है। चलो लाओ, दे देना, कर दूंगा। चाय पी के ला देती हूँ। बस किसी को पता ना चले वरना बहुत मजाक उड़ने वाला है मेरा। अरे भाई साहब, आप इस्त्री कर रहे हैं? नहीं, मैं तो चेक कर रहा था कि आयरन ठीक भी है या नहीं। हाँ मैं खुद ही इस्त्री करने जा रही थी। अच्छा आप एक काम करें, आप रहने दीजिए, मैं मैजबी को कहती हूँ वो स्टे कर देगी। हाँ ये भी सही है, मैं जमीन कर देगी। ठीक है थैंक यू। नहीं नहीं मैं तो जहारा खुद ही करने जा रही थी, ये तो बस ऐसे ही खड़े थे। अच्छा सुनो, तुम आराम से चाय एंजॉय करो, मैं मैजबी को कहती हूँ वो स्टे कर देगी। सच में बहुत शुक्रिया। शुक्र है बच गए। आरा प्लीज बाहर आ जाओ। आरा मैं जबी बेटा ये लो अपने अब्बू के कपड़े पकड़ो और बाहर ताया अब्बू के भी कपड़े, दोनों को इस्त्री कर दो, नमाज के लिए देर हो रही है। अम्मी वो आप महानूर से कह देना वो इस्त्री कर देगी। ये क्या बात हुई वाला, तुम्हें कह रही हूँ तुम जाके कर दो ना। ताई अम्मी क्यों नहीं कर रही इस्त्री, उसे अपने बनने संवरने से और रोमैन से फुर्सत मिले तो वो कुछ करे ना। आरा मेरा मोबाइल फोन अंदर रह गया है, एटलीस्ट वो ही वापस कर दो। एक तो पता नहीं तुम बाथरूम में इतनी देर करती क्या हो। अरे तौबा है, बाहर निकलेगी तो ले ना, तुम लोगों की जिंदगी के मोबाइल फोन के बगैर चल नहीं सकती। आरा प्लीज फोन दे दो, ये एक तो बाथरूम में घुसती है ना, बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। तो आ जाएगी ना, थोड़ा इंतजार कर लो, जाओ जाके शाबाश कपड़े से रहो, उनको नमाज के लिए देर हो रही है। यार अम्मी क्या मुसीबत है, आप बहानूर से कोई काम क्यों नहीं करवाती है। आपने भी सारी जिम्मेदारी बस मेरे ही सर पर डाली हुई है, उसको आप कुछ नहीं कहती। खुदा का खौफ करो, करती क्या तुम लोग, दुनिया की बच्चियों को देखा है, पूरा घर संभाला हुआ उन्होंने सारे। हाँ हाँ मालूम है मुझे, पूरा घर संभालती हैं, बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती हैं। अब प्लीज दोबारा से ये रटना शुरू मत कर दीजिएगा, हर वक्त ये बातें करती हैं आप। तो तुम लोगों को कौन सा फर्क पड़ जाता है, कौन सा मेरे कहने पे काम कर लेती हो, जाओ जाके इस्त्री करो। एक तो आप इतनी बातें सुना के ना इधर दे। आरा तुम जिंदा हो के मर गई हो अंदर। अरे मरे मेरे दुश्मन, नहीं आ रही मैं। यहाँ तो सुकून से बैठने दिया करो मुझे, ये बहुत तंग करती है। आप एक काम करें ना, या तो फिर आरा का कमरा बदल दे या हमारा बदल दे, ताकि हमारी जान छूट जाए, बहुत तंग करती हैं ये। किसी के कमरे बदल नहीं रहे, जाओ जाके इस्त्री करो, जो काम बोले वो करो, जाओ शाबाश। ना बचा है तुम लोगों की लड़ाइयों से यार। आप अजीब बात कर रहे हैं गुल भाई, अरे मैंने आपसे गुलाबी और सफेद, यार आप लाल फूल में से कब निकलेंगे। हो जाएगा वो यार, शाम में ऑफिस आए मैं बात करता हूँ। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अबे यार भाई बाकी कॉल्स बाहर जाके कर लो ना यार, मैं पूरी रात जाग के पढ़ता रहा हूँ, अब मेरी आंखों के आगे ना अल्फाज नाच रहे हैं, अगर मैं नहीं सोया मेरी बिनाई चली जाएगी। तुम बकवास किए बगैर रह सकते हो, हमेशा गलत बात करते हो तुम। अच्छा बोलो तो अच्छा होता है ना। आप क्या अच्छा बोलूं अपनी इस हालत इजहार पर। अच्छी बात क्या बोलूं, आप ये भी बोल सकते हैं कि पढ़ पढ़ कर मेरी आंखों में नूर आ गया है और मैं रोशनी की बचत करने के लिए सोना चाहता हूं। वाह 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 भाई, बहुत पॉजिटिविटी फैला दी आपने इस कमरे में, अब यहाँ से चले जाए, मुझे सोने दें यार। अच्छा अच्छा पता है मुझे, लाइन मारने की कोशिश की थी, जगह पर लगी नहीं। ठीक है मैं यार भाई सोने दो ना। अच्छा सो जाओ, लेकिन सिर्फ दो घंटे हैं तुम्हारे पास, ये याद रखना, उसके बाद नेस्ती मत फैलाना। हाँ सही सही है, चलो सो जाओ शाबाश। अरे साबिर शमीम, अरे कहाँ रह गए तुम लोग यार, देर कर रहे हो। हाशिम कासिम भाई कहाँ हो तुम लोग, अरे देर हो जाएगी, खुतबा शुरू हो जाएगा तो अगली सफ में जगह नहीं मिलेगी। परवरदिगार मैंने कितनी कोशिश की थी कि मेरी औलाद और उनकी औलाद मेरे नमाज के लिए तैयार होने से पहले ही तैयार खड़े हों, मगर नहीं।
अरे मैं आ रहा हूँ या मैं जाऊँ? अब मम्मी आ गए आ गए आ गए, आई एम सॉरी, आप गुस्सा ना कीजिए, आइए चलते हैं बस। शायद पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा था, शायद किसी ने मोटर ऑन नहीं किया है। मोटर नहीं चल, तो मोटर की जिम्मेदारी तो उसकी है, अपना हुसन आरा की है। क्यों बहू, मोटर नहीं चलाई उसने? अब मियां वो मैडम तो अभी तक कमरे से नहीं निकली, तो मोटर क्या चलाएगी? तो तुम चला देती ना। अच्छा बस, बहस करने की जरूरत नहीं है। और वो कासिम कहाँ है? अब मियां वो रात देर तक पढ़ रहा था ना, तो अभी अभी सोया है वो। बताओ देर तक पढ़ते रहे? अरे किताबें पढ़ने में कोई कामयाबी मिलेगी या नमाज पढ़ने से मिलेगी कामयाबी? बस ठीक है, मैं उसका 3 महीने के लिए ये खर्च बंद कर दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा उसके। अब अमिया आप लोग खैर से जाइए, मैं अभी उसे उठाकर भेज रही हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ। गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी निकालता हूँ। अरे पैदल जाएंगे, 10 मिनट तो रास्ता है, हर कदम पे सवाब मिलता है। गाड़ी निकालना है, आओ जल्दी आओ, जल्दी चलो। तो इस लड़के की नींद पूरी नहीं होती। कासिम, कासिम उठो बेटा। कासिम सुनते क्यों नहीं हो? आज टाइम पे मस्जिद नहीं गए ना, तो अब्बा मियां तुम्हारे 3 महीने का जेब खर्च बंद कर देंगे। क्या जी? ये उन्होंने कहा आपसे? तुम्हें क्या लगता है झूठ बोल रही हो? कसम खाए, कसमें जो ना झूठे लोग खाते हैं। चलो उठो जल्दी से। अब मैं बस आ रहा हूँ रेडियो के। सारी रात फोन पे लगे रहते, दिन भर नींद पूरी नहीं होती इनके। वैसे हद होती है राजता भी ना, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती मेरी बहन की शिकायत करने का। तुमने देखा नहीं अब्बा मियां से कितनी चुगली कर रही थी? हद होती है। हालांकि सुबह तुमने उसके और भाई साहब के कपड़े भी इस्त्री किए, लेकिन नहीं, उसने तो चुगली करनी है। अम्मी वैसे वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी? जब आरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुबह के सारे काम उन्होंने करने हैं, तो वो क्यों 1-1 बजे तक सोती रहती हैं? आप हमें तो नहीं सोने देती इतनी देर तक, बल्कि अगर मानूर की कॉलेज की छुट्टी भी होती है तो भी आप उसको सुबह सुबह उठा देती हैं। अम्मी जी, पानी नहीं आ रहा। तुम्हारी आरा ने मोटर नहीं चलाई, अभी चला के आई हूँ, टैंकी भरने में टाइम तो लगेगा। कमरे का हशर करके रखा हुआ इस लड़के ने, जल्दी कर लो, असर में जुमा नहीं होना। बेटा शुक्र करो कि मैं तुम लोगों को फजर के बाद सोने देती हूँ, वरना जब हम इस घर में ब्याह कर आए थे ना, तो तुम्हारी जो ये अम्मा भी है, फजर पड़ने के बाद ना हमें सोने नहीं देती थी और चील की निगाह रखती थी कि गलती से जाएगा कहीं आराम ना कर ले अपने कमरे में। अम्मी प्लीज, अब आप ये दादी के जुल्म के किस्से मत सुनाएं मुझे। आप मुझे ये बताएं कि जो रूल्स हमारे लिए हैं वो आपकी बहन पर अप्लाई क्यों नहीं होते? अच्छा वो जबान नहीं चली तुम्हारी, चुप करके ना सब्जियां काटो ताकि जल्दी सलाद बन सके, बातें करवा लो बस। आजकल के बच्चे भी ना माएं बनने लगी हैं बस। तमीज लड़कों, और कुछ नहीं तो अपना कमरा ही सेट करके रख ले। नहीं, सारे काम माँ है ना करने के लिए, वही करेगी। बस बस आ गया, बहुत काम पानी आ रहा है इसलिए मुझे दिल से हो गया। जल्दी कर लो, आ गया आ गया आ गया। अरे कपड़े तो बदल लो, इसलिए करके रखे मैंने। नहीं नहीं नहीं, लेट हो गया हूं। बस अब इतनी फिक्र हो ना तो जल्दी उठ जाया करो। अल्लाह हाफिज। आरा इतनी चलाक है ना, जब भी कोई काम होता है नमाज पढ़ने बैठ जाती है। अरे हाँ, ताई अम्मी अब्बा मियाँ को बता रही थी कि सुबह से आरा अपने कमरे से ही नहीं निकली आज। अब आएगा मजा, कोई मजा वजा नहीं आने वाला। आरा इतनी मक्कार है ना, आज भी अब्बा मियाँ की डांट से बच जाएगी।
अब्बा मियाँ तो उसे डांटते ही नहीं है। मैं तो अम्मा भी इसे डांट पड़वाने का सोच रही हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, खाना लगाना है, बर्तन लेकर चलो, आ जाओ। अम्मा भी ये आप ना राष्ट्र को समझा लें, बहुत हो गया। जब देखो हुसन आरा के पीछे पड़ी रहती है, उसकी शिकायतें करती रहती है। आज भी उसने अपना जाल बिछाने की कोशिश की उस पर। अरे हद होती है, अगर आज हुसन आरा पानी की मोटर चलाना भूल गई तो क्या गजब हो गया। आज किसी और ने चला दे तो कौन सी कायमत होगी, हमेशा तो वो चलाती है ना। वैसे अम्मा भी आप ना राजदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। आसिम, ये क्या तरीका है इस किस्म के कपड़े पहन के मस्जिद में आने का जुमे के लिए? चल घर चल, मैं करता हूं बात तुझसे। वाह जी वाह, मतलब बिरयानी की शक्ल तो बड़ी अच्छी है, जानारा ने बनाए। भाई वो उसका नारा कहाँ है? आ जाएंगी, आप खाना तो शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। चलो सिलवा लो। माशाल्लाह मेरी बहन सबका कितना ख्याल रखती है। वैसे ये तो बिल्कुल सच है, बहुत ख्याल रखती है सबका। बेटा क्या कर रही थी तुम? अरे अब्बा मियाँ, वो जुम्मे के दिन ना मैं नमाज के बाद सारे घर वालों के नाम की ना एक एक तस्बीह पढ़ती हूँ और उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। क्या? हाँ अब्बा मियाँ, घर के बड़ों को ये सब करना ही चाहिए। हाय हाय हाय, बड़ी कहाँ से हो गई मैं? तुमसे तो बहुत छोटी हूँ अभी मैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे ये तो मैं प्यार और मोहब्बत करती हूँ सबसे, इसलिए करती हूँ, बड़े होने के नाते थोड़ी करती हूँ कोई। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह करो सब, चलो बिस्मिल्लाह करो। वो दो भाई ट्रे दो मुझे, वो आलू वाली। आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, यही उसने आ रखो। हाय हाय, इतने बड़े बड़े आलू, यकीनन राजदा नहीं काटे होंगे इतने बड़े आलू। तुम मत खाओ फिर। तुम लोगों को पता है जब हम छोटे थे तो हम बगैर गुस्ल के जुमे की नमाज के लिए नहीं जाते थे, नाखून भी तराशते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है। क्यों साबिर? जी अब भैया बिल्कुल ऐसे ही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, कभी बेशी माफ। आपने फरमाया कि जो भी शख्स जुम्मे के दिन बिलखसूस जुम्मे के दिन गुस्ल करे और दिल लगा के करें, उसके बाद जल्दी मस्जिद में जाए, इमाम के करीब बैठे और खुतबे को गौर से सुने, तो उसके लिए बहुत सारी नेकियों की वईद है। बिलखसूस जितना वो चल के जाएगा तो हर कदम पे रोजे का सवाब और रातों को नवाफिल पढ़ने का सवाब उसे मिलेगा। शाबाश शाबाश। अच्छा आप तुम बताओ शमीम। अब मियाँ साबिर भाई सब कुछ बता तो चुके हैं,
हाँ ये है कि जुमे के दिन खास मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए और वो हो सके तो खुशबू लगाए। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा अब तुम बताओ हाशिम। अब मियां जुमे की नमाज गरीबों और मसाकीन के लिए हज के बराबर है। शाबाश शाबाश। कासिम अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि जुमे की नमाज की क्या अहमियत है? दादाजान मुझे पता है ये सब कुछ। ये सब पता होने के बावजूद भी अगर तुम बगैर गुस्ल किए मैले कुचैले कपड़े पहने हुए खुतबे के बाद नमाज में पहुंच गए हो तो तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। मुझे किसी ने उठाया नहीं और जब मैं गुस्ल करने के लिए गया था तो पानी इतना कम था कि सिर्फ वजू हो सकता था और नमाज भी लेट हो रही थी, इसलिए जो कपड़े रखे हुए थे मैंने पहने और मैं आ गया। अरे तो अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास करो, अलार्म लगा के सोते। हाँ बेटा सुन आ रहा जी। आज सुनो है तुम दोपहर तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो अब्बा मियां आपको तो पता है ना सुबह फजर के लिए उठती हूँ तो सुबह फजर के बाद मैं एक वजीफा पढ़ने बैठ गई, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं रहा कब जोहर हो गई, तो मैंने सोचा कि जोहर की नमाज पढ़ के ही मुसल्ले से उठूं। माशाल्लाह 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 भाई कितनी सामो सलात की पाबंद है हमारी बच्ची, है ना? आइंदा ख्याल रखना, आज तुम्हारी वजह से बड़ी परेशानी हुई है लोगों को। कतरा कतरा पानी आ रहा था, जुमे के दिन खास ख्याल रखा करो, नमाजियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब्बा मियां गलती हो गई, माफ कर दे। चलो आइंदा ख्याल रखना। जी जी मैं आइंदा बिल्कुल ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। ठीक है चलो भाई जल्दी जल्दी चाय पियो यार, फिर काम पे चलना है। आप चाय नहीं पियोगी? इस राजदा फसादन को ना बड़े बड़े सांप डसेंगे जहन्नुम में, इसकी जबान को ना लगाम नहीं है, शिकायतें करती फिरती है ये मेरी। अरे मैंने अम्मा भी से बात की है, वो समझा देंगी इसे। अरे रहने दो, अम्मा भी के कहने पे तो सब कुछ करती है वो, वही सिखाती पढ़ाती है इसे, लेकिन मैं भी ना छोड़ूंगी नहीं इसे, बदला जरूर लूंगी। देखो सनारा खुदा के लिए कोई ऐसी बात मत करना जिससे घर में फसाद खड़ा हो जाए। फसाद तो नहीं होगा लेकिन हिसाब जरूर होगा, बता दिया मैंने तुम्हें। सनारा ये लड़की कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। अबे ये वाइट सेटअप तो मिलाद वगैरह में इस्तेमाल होता है, शादी में सफेद सेटअप का क्या काम? नहीं अब भैया और से देखें, इसमें पिंक भी उन्होंने कहा है ना, पिंक हो जाएगा ऐड तो जरा कलर भी आ जाएंगे और कंट्रास्ट भी हो जाएगा। वैसे अब्बा मियां सही कह रहे, सफेद कुछ ज्यादा ही फीका हो जाएगा। अब्बा मियां इसमें एक रंग ऐड कर दें, लाल कैसा लगे? हाँ लाल तो सामान भी है हमारे पास, लाल गुलाब भी है और ये जो सफेद और गुलाबी फूल है ना गुलाब के भाई, वो तो बड़े महंगे होते हैं, डबल कीमत पे मिलते हैं। आप लोग किस जमाने में रह रहे हैं? जमाना चेंज हो चुका है, लोगों को अब दिन की शादियां अच्छी लगती हैं और वो हल्के कलर्स की तरफ जाते हैं। और अब्बा मियां अगर फूल महंगे हैं तो क्लाइंट पे करने को तैयार है ना, हमें उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई ये समझो कि एहतशाम टेंट हाउस से आइडियल डेकोरेशन तक पहुंचने में अकेला मेरा हाथ नहीं है, इसमें तुम्हारे माँ बाप चचा ये सब शामिल है और अब तुम भी इसमें हमारे साथ शामिल हो। लेकिन बिजनेस का एक उसूल हमेशा याद रखना कि जितना तुम क्लाइंट को सस्ता बताओगे ना उतना ही वो खुश होगा। अब्बा मियां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन अगर क्लाइंट की मर्जी से काम नहीं किया तो नाराज भी तो हो सकता है ना। बहस क्यों कर,
आपको बहस नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। अब्बा मियाँ, जिस स्टाइल में हाशिम शादी करवाना चाहता है करवाने देना। चाचू मेरे स्टाइल की बात नहीं है, जो कस्टमर मांग रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। देखें, अगर हमने उनके मुताबिक काम किया तो हम इस काम को अच्छे से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं, समझे प्लीज। अच्छा बस ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे क्लाइंट को डील करो। ठीक है ना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्लाइंट की तादाद में इजाफा ना हुआ तो समझो तुम्हारा तजुर्बा नाकाम। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नाकाम नहीं होगा बामिया, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात रखी। आज अजीम भी यहां होता है तो हमारा ये गुलदस्ता पूरा हो जाता। लेकिन ये कासिम जो है ना, उसकी भी तालीम का ये आखिरी साल है, उसके बाद वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल ये बिजनेस बच्चों ने ही देखना है ना। काश मेरा भी बेटा होता। वो भी सबके साथ मिलजुल कर काम करता। खबरदार। अरे भाई ये कासिम और हाशिम ये भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं, और क्या इस तरीके की बात मत किया करो, इस नाशुक्रेपन से अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है। जी अपा। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हें हर महीने दो महीने बाद क्या हो जाता है, वही बात दोहराती रहती हो। तो सही तो कह रही हूँ मैं, तुम ताया ताई से हमारी शादी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी सहेलियों की शादी हो रही है, उनके कुछ के तो बच्चे भी हो रहे हैं, और एक मुझे देखो बस यहाँ बैठी हुई हूँ। तुम मुझे मेरे पैरों पर तो खड़े होने दो ना। काम कर तो रहे हो तुम। काम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस डिफरेंटली करना चाहता हूँ, उसको स्केल अप करना चाहता हूँ, तुम नहीं समझोगी ना। क्यों नहीं समझूंगी मैं? क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये बात समझ आती है कि मेरी शादी कब होगी। तो सही तो कह रही हूँ मैं भाई, मुझे नहीं पता, इस साल मेरी शादी हो जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि घर वाले मुझे काम तो करने नहीं दे रहे, बाहर वो मुझे जाने नहीं देते, घर बैठे बैठे मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ, इसलिए मुझे अब शादी करनी है। एक मिनट, तो तुमने शादी इसलिए करनी है कि तुम बोरियत खत्म कर सको? हाँ तो अच्छा भाई, कर लूंगा मैं अब्बू से बात। बस पक्का? पक्का ठीक। अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर, बड़े मजे आ रहे हैं दोनों के, छुप छुप के घर में ही घर वालों की नाक के नीचे ये हरकतें कर रहे हैं। अभी इनके रोमांस के रंग में भंग डालती हूँ, अभी जाकर अब्बा मियाँ और अम्मा भी को बताती हूँ इनके करतूत, बल्कि उनको लेकर आती हूँ ऊपर और दिखाती हूँ कि ये क्या हरकतें हो रही हैं घर के अंदर। अब और कोई बात करें शादी के अलावा? नहीं, शादी की ही बात करेंगे। तो अम्मी अब्बू से करूंगा तो उसके बाद कोई बात करेंगे ना, या खुद ही कर लेनी है? अच्छा ठीक है, सही है। हाँ थैंक यू। ये बताओ बर्थडे पे क्या चाहिए? अम्मी अब्बू से बात करो शादी की। ये बर्थडे पे भी यही चाहिए? हाँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं जाओगे मुझे पता है। देखो जुबैदा, मैं तो थक गया हूँ अजीम का इंतजार करते करते, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा। क्या कह रहे हैं आप? और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा जरूर वापस आएगा, और जल्दी। मगर अब मैं अजीम के नाम पर मजीद हुसन आरा को घर में नहीं बिठा सकता। अरे मंगेतर है वो उसकी, अगर अजीम के नाम पर वो बैठी है तो ये तो उसकी किस्मत है। और अगर कयामत में हमसे ये सवाल किया जाएगा कि हमने एक मिस्कीन और यतीम बच्ची को घर में बिठाकर उसकी जवानी के 10 साल क्यों बर्बाद कर दिए? तो क्या जवाब देंगे? अरे भाई अल्लाह की पकड़ से डरो जुबैदा, अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तुम उसे इसी तरह बिठाए रखती?
अरे उसकी उम्र की तो बच्चियों के बच्चे जवान हो गए हैं। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मजीद इंतजार नहीं करूंगा, जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का देखकर फौरन उसकी शादी कर दूंगा। मगर ये कैसे हो सकता? बस ये मेरा आखिरी फैसला है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।